क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया का आखिरी लीग मैच नीदरलैंड्स के साथ होना है। भारतीय टीम जबरदस्त खेल रही है और अब तक 8 मैचों में भारत के 16 अंक हैं। टीम इंडिया अजेय है, कोई भी टीम भारत को हरा नहीं पाई और नीदरलैंड्स अब टीम इंडिया के सामने है। तो इस बार मैच हारने या फिर जीतने के लिए नहीं है, ये मैच रिकॉर्ड्स के लिए और टीम इंडिया कई सारे रिकॉर्ड्स एक साथ बना सकती है और इसीलिए नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में कई नए तरह से बेंच स्ट्रेंथ को भी मौका मिल रहा है। कई ऐसे खिलाड़ी है जो अब तक खेले ही नहीं है तो उन्हें भी यहाँ पर मौका मिल रहा है और फाइनली टीम इंडिया में बदलाव तय हो गए। जी हाँ, तो पूरे 4 बदलावों की खबर आ रही है तो आपको दिखाते हैं, बताते हैं क्या होने वाले हैं बदलाव, कैसी होगी टीम, आप भी इस टीम को लेकर नीदरलैंड्स के खिलाफ होने वाले मैच को लेकर अपनी राय जरूर दें। तो 12 नवंबर दिवाली के दिन भारत का आखिरी लीग मैच इस वर्ल्ड कप का होना है और इसमें टीम इंडिया एक बार फिर बदलावों के साथ मैदान में उतरेगी क्योंकि अभी तक सारे के सारे मैच भारत ने जीते हैं और इस मैच में हार जीत का कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। टीम इंडिया नंबर 1 है और नंबर 1 की ही पोजीशन पर वर्ल्ड कप के लीग मैचेस को फिनिश करेगी। तो ऐसे में टीम इंडिया कई सारे बदलाव एक साथ करने जा रही है, कई दिग्गज खिलाड़ियों को यहाँ पर आराम दिया जा रहा है। तो कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर मैच में खेलने जा रहे हैं, सीधे सीधे टीम पर आते हैं। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल यहां पर ओपनिंग करेंगे। जी हां, ओपनिंग पेयर में कोई बदलाव है नहीं, रोहित और शुभमन ही खेलेंगे और दोनों का बल्ला जबरदस्त चल रहा है और यहां पर दोनों एक बार फिर से लंबी पारियां खेल सकते हैं, रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पर विराट कोहली आएंगे क्योंकि विराट को यहां पर बाहर करने का फिलहाल कोई भी मौका टीम इंडिया छोड़ना नहीं चाहती है। विराट का बल्ला आग उगल रहा है और विराट की कंसिस्टेंसी को भारतीय टीम रोकना नहीं चाहती, इसलिए विराट खेलेंगे। और चौथे नंबर से यहां पर बदलाव की शुरुआत होने जा रही है। चौथे नंबर पर आएंगे ईशान किशन, जिन्हें कुछ शुरुआती मैचों में मौका मिला था लेकिन बाद में उन्हें बाहर होना पड़ा क्योंकि शुभमन गिल फिट हो गए थे। तो यहां पर ईशान किशन फाइनली खेलेंगे, चौथे नंबर पर आकर बल्लेबाजी भी करेंगे। और पांचवे नंबर पर आएंगे श्रेयस अय्यर। जी हां, अय्यर का पोजीशन 1 पॉइंट नीचे होगी क्योंकि यहां पर गेम टाइम दिया जाना है ईशान किशन को, इसीलिए अय्यर थोड़ा सा नीचे आएंगे। लेकिन हां, केएल राहुल यहां पर बाहर होंगे। जी हां, केएल राहुल को आराम दिया जा रहा है, अगले मैच से पहले उन्हें कुछ रेस्ट टाइम दिया जा रहा है, इसीलिए कीपिंग भी ईशान किशन ही करेंगे। इसके बाद छठे नंबर पर सूर्य कुमार यादव की जगह पक्की है। सूर्या को नीदरलैंड्स के खिलाफ बड़ा मौका दिया जा रहा है, हो सकता है कि सूर्या को बैटिंग में अप द ऑर्डर भी भेजा जाए क्योंकि सूर्या को भी यहां पर बल्लेबाजी का मौका अभी तक बहुत ज्यादा मिला नहीं है, इसीलिए गेम टाइम सूर्या को दिया जा सकता है, अप द ऑर्डर भेजा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सातवें नंबर के, तो यहाँ पर एक और बदलाव होगा। रविंद्र जडेजा को भी यहाँ पर आराम दिया जा रहा है, जड्डू भी लगातार खेल रहे हैं, हर फॉर्मेट खेलते हैं और इसीलिए जड्डू की जगह पर रवि अश्विन यहाँ टीम में आएंगे, ये टीम का दूसरा बदलाव होगा। जबकि कुलदीप यादव बतौर स्पिनर टीम में बने हुए हैं और वो टीम के लीडिंग स्पिनर यहाँ पर हो सकते हैं, नीदरलैंड्स के खिलाफ कहर बरपा सकते हैं। अब टीम में सिर्फ 2 ही स्पिन गेंदबाज होंगे यानी कि तेज गेंदबाज 3 खेलेंगे और तेज गेंदबाजी में भी बदलाव कंफर्म है। जसप्रीत बुमराह को यहां पर आराम दिया जा रहा है, मोहम्मद शमी को आराम दिया जा रहा है। जी हां, बुमराह शमी दोनों को एक साथ रेस्ट दिया जा रहा है जबकि मोहम्मद सिराज यहां पर पेस अटैक को लीड करेंगे। सिराज यहां पर नीदरलैंड्स के बल्लेबाजों की परीक्षा लेंगे तो सिराज के साथ 2 नए गेंदबाज यहां पर होंगे। प्रसिद्ध कृष्णा वर्ल्ड कप का अपना पहला मुकाबला खेलेंगे, उन्हें यहां पर मौका दिया जा रहा है, नई गेंद से सिराज के साथ गेंदबाजी करेंगे। तो शार्दुल ठाकुर को भी टीम में रखा गया। जी हां, जड्डू के होने से टीम में बल्लेबाजी थोड़ी सी कमजोर जो हुई है उसके लिए 8वें नंबर पर खिलाने के लिए शार्दुल ठाकुर की भी एंट्री हुई है। शार्दुल यहां पर मैच खेलेंगे और ये टीम का चौथा बदलाव होगा। तो कुल मिलाकर 1-2 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 4 बदलाव यहां पर होने जा रहे हैं। साफ साफ बदलाव यही है कि ईशान किशन अंदर आएंगे, रवि अश्विन अंदर आएंगे, शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा भी अंदर आएंगे जबकि बाहर जाने वाले खिलाड़ी होंगे केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी। अब जरूरत यह है कि इस मैच में टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करे और बड़ा स्कोर बनाए ताकि फैंस को भी दिवाली का बड़ा तोहफा मिले और उसके बाद नेस्तनाबूद करे नीदरलैंड्स की पूरी बल्लेबाजी यूनिट को। तो आपका क्या कहना है, इन बदलावों पर क्या कहना है, इस टीम पर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।